सो हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। तो भाई लोग, मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ कि जो अपना अधिसूरन भाई है वो अपने वीडियो को कैसे एडिट करते हैं, मतलब शॉर्ट वीडियोस को कैसे एडिट करते हैं। मैं आज आप सभी को वही बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो छोड़ के मत जाना, वीडियो काफ़ी कमाल का होने वाला है। एंड गाइस, बहुत ही ईजी होने वाला वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। एंड जो भी पैक मैं यूज़ कर रहा हूँ उस सबका पैक मैंने ओवरले एंड टेक्स्ट का पैक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप लोग उसको वहाँ से मतलब डाउनलोड कर लेना एंड जो एक्सएमएल फाइल उसको आप लोग इंपोर्ट कर लेना। एंड आप में से कई सारे बंदों को इंपोर्ट करना नहीं आता एक्सएमएल फाइल को, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो हाउ टू एक्सएमएल फाइल इंपोर्ट इन अ लाइट मोशन। तो गाइस, बहुत सारे वीडियोज आप लोग देखने के लिए मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से देख के मतलब एक्सएमएल फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड देन आपको करना क्या है, चलिए बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही कमाल के ट्यूटोरियल वीडियोज आप लोग के लिए लेके आते रहते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना मेरे भाई। चलिए बिना किसी तरीके हम लोग वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, करना क्या होगा, आप लोग को अधिसूरन जैसे वीडियो एडिट करना है, सबसे पहले आपको काइनमास्टर ऐप को ओपन करना होगा। देन आपको काइनमास्टर को ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है एंड 9:16 रेशियो वाले को मतलब सिलेक्ट कर लेना, मतलब इसी में अपना शॉर्ट वीडियो मतलब एडिट होता है, ठीक है, मोंटेजेस वीडियो, ठीक है, इसको ले लेना है। देन आपको अपने क्या करना है, अपने आपका जो वीडियो क्लिप है उसको एड कर लेना है, ठीक है, आपने जो रिकॉर्ड किया है उसको आपको ऐड कर लेना है, ठीक है गाइस, अभी आपने पहले से ही बना के रखा होगा तो, ठीक है, आपको इसमें ऐड कर लेना है। देन आपको मैंने आपको मतलब क्लिप क्या बोलते ओवरले दिया होगा 1:2, 1:3 का, आपको डिस्क्रिप्शन में चेक करना, आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है, मतलब उसको ले लेना है, कोई भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो 1:2 या 1:4, ठीक है, इसको ऐसे ले लेना है एंड इसको इस पर क्लिक करना है, ओवरले पे क्लिक करना है एंड स्लिप एंड स्क्रीन पे क्लिक करना है। देन आपको इस वाले पे क्लिक करके इसको ठीक से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। एंड फिर आपको इस पर क्लिक करना है एंड इसको या जो जो पेन एंड जूम दिख रहा है इस पर क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करके इसको ऐसे पूरा जूम कर लेना है अपने वीडियो को, ठीक है गाइस, मतलब एडजस्ट करना है ठीक से, ऐसे जूम करके हम इसको ठीक से एडजस्ट कर लेंगे हम लोग अपना वीडियो को, ठीक है गाइस, तो कुछ ऐसे हो जाएगा अपना वीडियो क्लिप। एंड ये मैंने ठीक से एडजस्ट कर लिया है एंड इसको क्लिक करके वीडियो के एंड के इतना कर देना, जहाँ तक अपना वीडियो रखना चाहो आप लोग रखना चाहते हो, ठीक है, मैं यहीं तक रहने देता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूँ, बस जस्ट आप लोग को दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो मैं यहाँ तक इसको कर देता हूँ, ठीक है गाइस। एंड देन आप लोग करना क्या है, इस पर क्लिक करना है एंड इसको साउंड को म्यूट कर देना आप लोग, ठीक है, ज़्यादा मत रखना। एंड इस पर क्लिक करना है एंड देन आप लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, तो आप लोग को एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन पे आ जाना है एंड ब्राइटनेस को 10 पे मतलब 10 इंक्रीज करना, 10 पे बढ़ा देना, 10 या 11 चलेगा, ठीक है। एंड कॉन्ट्रास्ट को पूरा 5 पे रखना, 5 या 4, 6 मतलब चलेगा, ठीक है इतना। एंड सेचुरेशन को आप लोग 60 पे रख सकते हो, जितना आप लोग अच्छा लगे 60 पे रखो, मैं 60 पे रखता हूँ, 60 पे देखो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, इससे अपनी वीडियो क्वालिटी थोड़ा इंक्रीज हो जाती है, थोड़ा अच्छा लगता है वीडियो, ठीक है, इतना कर लेना, ठीक है, अपना यहाँ पे काम हो चुका है काइनमास्टर का ख़त्म, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, वीडियो के यहाँ पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेंगे, जितना आप मैं सपोर्ट करता हूँ आप लोग वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना, तो मैं वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। देन आपको क्या करना है, चलिए हम बताते हैं। अब आप लोग अलाइट मोशन में काम है, अलाइट मोशन जस्ट एक मिनट का काम है, चलिए अलाइट मोशन को ओपन करते हैं इसको एक्सपोर्ट हो जाने के बाद से, ठीक से इसको एक्सपोर्ट हो जाने देना, ठीक है। जब तक वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर दो मेरे, ठीक है। तो गाइस, हम लोग काइंड मास्टर का काम हो चुका है खत्म, अब आपको करना है कि अलाइट मोशन पर 2-3 मिनट का काम और है, अलाइट मोशन को हम लोग ओपन कर लेंगे, ठीक है, एंड प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे एंड 9:16 वाला रेशियो को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे जिस प्रोजेक्ट में हमने अलाइट मोशन में क्रिएट किया है, ठीक है। एंड इस पर क्लिक करके हम लोग अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे, मतलब ऐड कर लेंगे, हमने अपना वीडियो को एक्सपोर्ट कर लिया है गाइस, ठीक है, देख सकते हो अपना वीडियो क्लिप मतलब एक्सपोर्ट मतलब क्या बोलते हैं अलाइट मोशन में ऐड हो चुका है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, मैंने आप लोगों को मतलब एक टेक्स्ट का जो अधिसूरन जो टेक्स्ट लगाता है जो ग्लो टाइप दिखता है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग उसको मतलब ले लेना, ठीक है, अलाइट मोशन इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। तो आप लोग इंपोर्ट करना है तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि हाउ टू इंपोर्ट एक्सएमएल फाइल इन अलाइट मोशन, ठीक है, सर्च करोगे बहुत सारी वीडियो आप लोग देखने के लिए मिल जाएगी। क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, एंड आपको एडिट ग्रुप पे क्लिक कर देना है, ठीक है गाइस, और यहाँ पे आप लोग जो भी लिखना चाहो, तो मैंने कुछ ऐसा लिख रखा है। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब जो इस पर क्लिक करना है एंड जो एडिट टेक्स्ट है, एडिट टेक्स्ट पर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग जो भी लिखना चाहो, मैं लिख देता हूँ डिजर्ट ओनली डिजर्ट चैलेंज बाई सब्सक्राइबर, ठीक है, वो एंड ONLY ONLY DESE डिजर्ट, ठीक है, ओनली डिजर्ट लिख दिया एंड इतना छोड़ देना आपको, ठीक है, इसको ऐसे क्लिक कर देना है, इस पर इस पर आपको इस पर क्लिक करना है, आपको एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको फ्रंट चूज कर लेना है। तो ये जो ब्लैक जो व्यू आर पे क्लिक करोगे ना, तो आप लोग को ब्लैक बेरी वाला एक फ्रंट देखने के लिए मिल जाएगा, आप लोग को उसको ले लेना है, ठीक है गाइस, आपको उसको ले लेना है एंड इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, एंड सेलेक्ट करके ऐसे ही छोड़ देना। अब यहाँ पे अपने सागर आना FF लिखा है, यहाँ पे इसको एडिट वाले पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है,
मैं यहाँ पे चैलेंज लिख देता हूँ, चैलेंज, ठीक है, चैलेंज लिख दिया। एंड फिर से इस पर क्लिक करूँगा एंड इस वाले फ्रंट को मैं ऐड कर लूँगा, मतलब चूज करके ऐड कर लूँगा, ठीक है। एंड इतना इसको कर देंगे एंड फिर से लास्ट वाले पे आ जाएंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाई सब्सक्राइबर, ठीक है गाइस, बाई सब्सक्राइबर, SUBSCRIBER, बाई सब्सक्राइबर, ठीक है। एंड यहाँ पर क्लिक करके इसके भी फ्रंट को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो फ्रंट हमारा चेंज हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। एंड आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ से ऐसे बैक कर देना है एंड इस पर क्लिक करके इसको कर लेंगे हम लोग कॉपी लेयर, ठीक है गाइस। यहाँ से अपना एक कॉपी हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ से इसको बैक कर देंगे। अब क्या करेंगे, जो हमने प्रोजेक्ट ऐड किया था उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, इस वाले ऐप पर क्लिक करेंगे एंड इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर कुछ यहाँ पर आ चुका है तो इस पर क्लिक करेंगे एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे, देन इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे एंड इसको हम यहाँ पर नीचे लेके आएंगे जहाँ पे अच्छा लगता है, ठीक है, जहाँ पे अधिक तुरंत रखता है, ठीक है गाइस। यहाँ पर रख देंगे एंड देख लेंगे ठीक से एडजस्ट तो है ना, ऐसे चला के देख लेते हैं ये थोड़ा इधर आ रहा है तो हम इसको बीच में एडजस्ट करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे एंड इसको बीच में एडजस्ट कर लेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम लोग कि अच्छा से देखने के लिए मिले, ठीक है। एंड इतना कर देंगे, हाँ अब ये ठीक से एडजस्ट, यहाँ पर थोड़ा बड़ा भी हो जा रहा है भाई सब्सक्राइबर, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ये ज़्यादा बड़ा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ये हो गया भाई सब्सक्राइबर, ठीक है गाइस, इसको इतना पे कर देंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है गाइस। हाँ अभी सही हो चुका है पूरा अपनी तरफ से देख सकते हो। एंड इसको थोड़ा सा हम ऊपर के साइड कर देते हैं, वो इतना पे रख देंगे, ठीक है गाइस। एंड फिर से इस पर हम क्लिक करेंगे, देन इस पर क्लिक करेंगे एंड इस पर क्लिक करेंगे एंड देन इसका डुप्लीकेट लेयर कर देंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग ग्लो देंगे तो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। अब लोग नीचे वाले पे क्लिक करना है, नीचे वाले जो ग्रुप है ना, ग्रुप जो टू है इस पर क्लिक करेंगे, ग्रुप टू कॉपी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे, देन एड इफेक्ट पे आएंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, देखना BRI अभी आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। इस पर क्लिक करना है एंड देन स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है और जो ब्राइटनेस है ब्राइटनेस को पूरा माइनस कर देना है, ठीक है गाइस। और यहाँ से बैक कर देना है एंड इस पर क्लिक करना है नीचे वाले पे, एंड इस पर क्लिक करके इसको हम थोड़ा सा नीचे साइड कर देंगे, थोड़ा ज़्यादा नहीं नीचे साइड करेंगे। तो देखो यहाँ पे शैडो हो गया, आगे देख रहे हो जैसे शैडो आता है अदी स्टूडेंट के मतलब वीडियोज़ में, ठीक है, देखो शैडो आ चुका है। आप अपने हिसाब से मतलब इसको नीचे ऊपर करके जितना अच्छा आप लोग लगे। अब एक काम अपना और रहेगा, इसमें ग्लो कैसे देंगे चलिए हम आपको वो बताते हैं। ग्लो देने के लिए आपको करना क्या होगा, ऊपर वाले ग्रुप पे क्लिक करना होगा एंड इस पर क्लिक करना है एंड इसका फिर से एक डुप्लीकेट लेयर कर देंगे हम लोग, ठीक है। एंड फिर से इस ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे जो ग्रुप 2 बाई कॉपी 3 है, इस वाले पे क्लिक करेंगे, देन इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, देन एड इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे और एड इफेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद से आप लोगों को गॉसियन ब्लर सर्च कर लेना, मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है, आप लोग सर्च करो तो मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, GAU लिखो सर्च करोगे तो आ जाएगा गॉसियन ब्लर, ठीक है। इसको आपको ले लेना है, देन स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है, ठीक है गाइस। एंड आप लोग इसको अपने हिसाब से मतलब ग्लो दे सकते हो, जितना ग्लो देना चाहो, तो मैं कुछ इतना भी इसको रहने देता हूँ, ठीक है। एंड इसको इतना छोड़ देंगे, फिर से उस पर क्लिक करेंगे एंड ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी पर क्लिक करेंगे एंड इसका थोड़ा सा ब्लेंडिंग हम लोग कम कर देंगे कि मतलब जो टेक्स्ट है थोड़ा क्लियर दिखे, ठीक है। अभी देख सकते हो कितना क्लियर देखने के लिए मिल रहा है, अभी थोड़ा नहीं देखने के लिए मिल रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे, देन इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे और जो गॉसियन ब्लर है इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो ये काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस आप लोग देख सकते हो अपना वीडियो क्लिप पूरा हो चुका है रेडी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना, चलो थोड़ा सा आप लोगों को चला के दिखा देता हूँ। मैंने इसका सॉन्ग मतलब नहीं लगाया, तो आप लोग सॉन्ग जो भी लगाना चाहते हो आप लोग लगा सकते हो, जो अदी स्टूडेंट YT लगाता है सॉन्ग को, आप लोग उस सॉन्ग को ढूंढ के लगा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा वायरल होता है उस सॉन्ग पे, ठीक है। एंड वो सॉन्ग आप लोग ढूंढ के मतलब लगा लेना, ठीक है गाइस। एंड आपको अपना क्या करना, इस पर क्लिक करके वीडियो कैसे कर लेना एक्सपोर्ट, तो पहले वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वैसे कमाल ट्यूटोरियल आप लोग के लिए लेके आते रहते हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड हो सकता है दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो गाइस चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर गाइस।